मैं मौत का फरिश्ता हूँ, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चलने वाला, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैंने अभी बहुत सारे ख्वाब पूरे करने हैं। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, मैं पूरी करूँगा। अच्छा, एक ख्वाहिश मांग सकता हूँ? तो मुझे एक अच्छा सा लजीज सा खाना खिलाओ और मुझे पैसे से भरा हुआ बैग दो, जब तक वो पैसे खत्म ना हो जाए तुम मुझे ना ले जाना। ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। ये लो कुछ खाना और बहुत सारे पैसे, जिस वक्त ये पैसे सारे खत्म हो जाएंगे मैं उसी वक्त तुम्हें लेने आ जाऊंगा। Oh no! चलो अब आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हुई, इतना सारे पैसे और इतना सारा खाना, अब मजे से खाता हूँ। Amazing! पाँ, पाँ। अरे ये कौन आ गया दरवाजे पर, अभी जाके देखता हूँ। जी भाई, क्या बात है? भाई दिख नहीं रहा, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, पूरे 15 दिन से कुछ नहीं खाया है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो मुझे। नहीं नहीं, मैं इसको अपना खाना क्यों दे दूं? मुझे लगता है इसको मुझसे भी ज्यादा भूख लगी है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, अपना खाना इसे दे देता हूँ। हाँ भाई, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ भाई, ये लो खाना। इतना सारा खाना मेरे लिए? हाँ हाँ। मुझे यकीन नहीं था कि इतना सखी आदमी मुझे मिलेगा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अच्छा खाना तो उसको दे दिया, मेरे पास इतने सारे पैसे तो हैं। ये जब तक खर्च नहीं होते वो फरिश्ता नहीं आ सकता। अच्छा देखते हैं। अरे यार ये कौन आ गया फिर से? अच्छा अभी जाके देखता हूँ। जी भाई, क्या बात है? भाई बात ऐसी है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांगे, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? अब क्या करूँ, अगर ये सारे पैसे ऐसे दे देता हूँ तो वो फरिश्ता मुझे लेने आ जाएगा। भाई जल्दी बताओ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, पैसे देने आए। मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, ये सारे पैसे ऐसे दे देता हूँ बस। ये लो भाई, ये सारे पैसे तुम रख लो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान। मैंने खाना भी उस भिखारी को दे दिया और इस जरूरतमंद की मदद भी कर दी, अब मेरे पास न पैसे है न खाना है, वो मौत का फरिश्ता मुझे लेने आ जाएगा जब तक मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। रुको, मुझे अपनी नमाज पूरी करने दो, फिर तुम मुझे ले जाना। मैं तुम्हें लेने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी जिंदगी लंबी कर दी है। वो क्यों? जिस गरीब को तुमने खाना खिलाया था। अल्लाह पाक इस लड़के की जिंदगी लंबी करे जिसने मुझे इतना सारा खाना दे दिया, अल्लाह पाक इसे ढेर खुशियां नसीब करे, आमीन। अच्छा, और जिस गरीब को तुमने उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे। ये देखो माँ, मैं आपके इलाज के लिए पैसे ले आया। अल्लाह पाक उसकी लंबी जिंदगी करे और खुशियां अता करे जिसने इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। ये सब उनकी दुआ की वजह से हुआ है। जब हम अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख कर लोगों की जरूरियात को पूरा करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी गैब से मदद फरमाएगा। हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें और उनसे दुआएं लें, क्योंकि दुआ ही है जिससे अल्लाह पाक तकदीर बदल देता है। अगर ये हमारा वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगा हुआ हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें।